लेट नाइट हो रहा था, मेरा बीच में एक्सीडेंट हो गया। मुझे लगा क्या, मुझे तो जो भी लगा वो नेक्स्ट डे लगा कि हाँ कहाँ पर ही रहे। तो मेरा स्टाफ बोला कि सर आप कोकिला बेन हॉस्पिटल में। पवन सिंह 20 फुट उड़ गया था, जमीन पे गिर गया, रोड पे 10-15 फीट घसटा गया था। उस लेट नाइट को रोड पे कोई नहीं दिखा, ये भैया और भाभी अपना साड़ी का आंचल फाड़ के पवन सिंह का हाथ और मांस बांध दी। और भैया लोग बोलते हैं ना कि मर्द कठोर होते हैं, अरे यार मर्द में मर्द के अंदर दर्द क्या होता है क्या, वो बार बार दिखा नहीं पाता है। लव यू बॉस। फिर नजर गया कि मेरा हाथ पैक है। कैसे कैसे मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो ये तो मेरा निकल गया था। और यहाँ गाना गाना मेरा मकसद नहीं है आने का। 3 बजे भोर में अगर पवन सिंह इस स्थान पे आया है तो मैं बता दूं कि इस घर से हमारे बड़े भैया अनिल भैया, हमार भौजाई, हमार माई, यहाँ से पवन सिंह का रिश्ता क्या है। मैं जब वहां बैठा था और इतने सालों के बाद जब मिला अपने भाभी से तो भाभी मुझे ऐसे गोद मिली जैसे लगा कि मैं 5 साल का बच्चा। रोने भी लगी, मेरा भी यहां भर गया। तो ये प्यार सबके नसीब में नहीं है। हाँ रिश्ता बता दो कि अनिल भैया अनिल भाभी इस धरती पे है और उस समय में मुंबई के धरती पे थे। मैं भैया के ही घर पे खाना खाने गया था और खाना खाते खाते मैंने बोला कि भाभी इतनी मछलियां पैक कर दी है हमारा अम्मा खा ले। और उस घर से मैं निकला अपने घर जाने के लिए। लेट नाइट हो रहा था, मेरा बीच में एक्सीडेंट हो गया। मुझे लगा क्या, मुझे तो जो भी लगा वो नेक्स्ट डे लगा कि हाँ कहाँ पर ही रहे। तो मेरा स्टाफ बोला कि सर आप कोकिला बेन हॉस्पिटल में। फिर नजर गया कि मेरा हाथ पैक है। कैसे कैसे मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो ये तो मेरा निकल गया था। पवन सिंह नाम हो गया था। बट उस रात को मैं सोच रहा था कि मैं बोलूंगा ये चीज तो मैं बोल पाऊंगा या नहीं। लोग बोलते हैं ना कि मर्द कठोर होते हैं, अरे यार मर्द में मर्द के अंदर दर्द क्या होता है क्या, वो बार बार दिखा नहीं पाता है। लव यू बॉस। तो जो पवन सिंह 20 फीट उड़ गया था, जमीन पे गिर गया, रोड पे 10-15 फीट घसटा गया था। उस लेट नाइट को रोड पे कोई नहीं दिखा, ये भैया और भाभी अपना साड़ी का आंचल फाड़ के पवन सिंह का हाथ और मांस बांध दी। और भैया हॉस्पिटल पहुंचाए तो आज पवन सिंह फिर से सिंगार का यहाँ खड़ा है। इस भैया और भाभी के लिए मैं थैंक यू सो मच बोलूं, नहीं ये शोभा नहीं देता, कोई शब्द ही नहीं है। और वैसे माँ बाप के सामने एक बच्चा सिर्फ पैर पे अपना सर झुका सकता है और कुछ नहीं कर सकता। जियो मेरे सर। लव यू बॉस। लव यू मेरा भैया, लव यू मेरी भाभी। मुझे जो भगवान उम्र दिए हैं उसमें से कुछ तुमको प्रभु दे दे, कुछ मेरे भैया को दे दे। हाँ जय नमन बाबा।